हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो इट इज़ डे टू इन बाकू और कल हमने बाकू सिटी को एक्सप्लोर किया था। वी वेंट टू द मेडन टावर, कार्पेट म्यूजियम, डेनिस शॉपिंग मॉल और हाईलैंड पार्क, और रात में भी हमने बाकू बुलेवार्ड पे जाके बाकू रात में कैसे देखता है वो इन्जॉय किया, एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुली लिट अप एट नाइट। और आज का प्लान इज़ टू गो टू सिटी कॉल्ड एज गोबुस्तान। वो बाकू से 64 किलोमीटर्स दूर है और वहाँ पे आप डे ट्रिप कर सकते हो, और वो डे ट्रिप हमने यहीं पे एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक करी है, जिसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज हम लोग वहाँ पे यानदार्ग माउंटेन, विच इज़ द बर्निंग माउंटेन, और मड वोल्केनोज वगैरह एक्सप्लोर करेंगे, और वापस आने के बाद बाकू की ओल्ड सिटी रात में कैसी दिखती है वो एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो बाकू में हम लोग ओल्ड सिटी विच इज़ इशरी शहर वहाँ पे रुके हैं, और हमारे होटल का नाम है टू सीजन्स बुटीक होटल। और होटल का कमरा तो काफ़ी छोटा है, जितना कमरा है उससे बड़ी तो बालकनी है, बट बालकनी से व्यू बहुत सुंदर आता है। अपार्ट फ्रॉम द स्काई लाइन दैट यू कैन सी फ्रॉम द बालकनी, देयर इज़ अ क्लियर व्यू ऑफ द कैस्पियन सी ऑल्सो, सो दिस इज़ अमेजिंग। और ये होटल हमें 3 दिन का पड़ा 12,000 rupees आफ्टर डिस्काउंट। दिस इज़ द बिगेस्ट शिया मॉस्क इन अज़रबैजान। और जो ओरिजिनल मॉस्क था वो तो 12th century में बना था, पर सोवियत यूनियन और अज़रबैजान के बीच में तो उस समय इस मॉस्क को तोड़ दिया गया था, और वापस से रिकंस्ट्रक्ट हुआ है ये पूरा मॉस्क इन 1990। बोथ मेन एंड वुमेन कैन गो इनसाइड, और अंदर दोनों के लिए, मेन और वुमेन के लिए सेपरेट प्रेइंग रूम्स हैं। और इन केस अगर आपके पास स्काफ नहीं है तो अंदर फॉर गर्ल्स दे डू प्रोवाइड हेड स्काफ्स एज़ वेल। गोबुस्तान, सो गोबू मतलब ऑपोजिट ऑफ फ्लैट, एंड इट्स अ वेरी रॉकी टेरेन। और इन रॉक्स के ऊपर कार्विंग्स हो रखी है जिनको पूरे इस पूरे जगह पे एक्सप्लेन किया गया है। Yeah, you see, that's a very loud, and the sound is not typical, right? It's a metal sound. Thank you, Mina. And okay. And these stones were used by these people in two main purposes. First of all, as a very simple musical instrument for ritual dances. And the second one, you see a lot of stones around and rocks for wild animals. That was very easy to hide somewhere and attack people, you know, suddenly. That's why they needed some alarm system to let everybody know that there's some danger and you should be careful. Now, we are on the entrance to the first cave. We have 3 caves in total. This one is the first one, called entrance to Anazahar shelter. This place looks a lot like Cappadocia.
दोनों के साथ सारी गैसेस बाहर आती हैं तो वो वोल्केनोस बन जाते हैं और दिस इज़ अ ड्राई मिट्टी ओनली और इसको जब आप डाइल्यूट करते हो पानी के साथ इट कुड बी अप्लाइड ऑन योर फेस ऑन योर स्किन इट्स रिच इन मिनरल्स एंड इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू योर स्किन. About 60 years to complete this temple and yahan pe there are two rooms which are dedicated to Lord Shiva and Lord Ganesha completely. The fire that you see behind me pehle to ye organically jalti thi बट यहाँ पे 1800s में एक मेजर अर्थक्वेक आ गया था और तब ये फायर का जो सोर्स है वो ब्लॉक हो गया था. बट आफ्टर 50 इयर्स और सो इस फायर को आर्टिफिशियली वापस से जलाया गया बाय इंसर्टिंग अ पाइपलाइन इनसाइड. Thank you so much for watching this video and please do hit the like button and subscribe to this channel so that you do not miss any of the further videos from our Azerbaijan travel series, and I shall see you soon in the next one.